आप ठाकुर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो सभापति होने के नाते कॉलेज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का उद्घाटन करें। आज मुझे जो इज्जत आप लोगों ने और प्रिंसिपल साहब ने दी है मैं उसका आभारी हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े विद्वान, योग्यवान, ज्ञानी और महापुरुष बैठे हैं तो मुझे ही सभापति क्यों चुना गया, तो मुझे दो ही कारण नजर आते हैं। एक तो ये कि इस कॉलेज को मेरे पिताजी ने बनवाया था, और दूसरे ये कि मैं इसी कॉलेज का पुराना विद्यार्थी हूं। अब कार्रवाई शुरू होती है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का इनाम उस लड़के या लड़की को मिलेगा जिसका मेकअप और लिबास सबसे ज्यादा निराला हो। चन्ना जोर गरम, चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चन्ना जोर गरम वो चन्ना खावे चंदू सेठ, वो जिनका बक्से जैसा पेट हरदम ऑफिस पहुँचे लेट, चन्ना जोर गरम वो चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चन्ना जोर गरम। लेके ताजी मछरिया देखो बीच बजरिया, मछली वाली खड़ी जैसे जल की पड़ी, रूह कतला पड़न चिलवा सिंगी नरम, सुरमई टेंगड़ा झींगा और केकड़ा। मैं पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला, मैं पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला, इसको खाते छेला बाबू जिनका हरदम दिल बेकाबू, राजे महाराजों का ठाट तन कर चले सुदेशी लाट में। पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला, पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला। भगवान करे आपको कभी ठोकर न लगे, भूखे को कुछ दे दे बाबा। हे, तुझे किसने अंदर आने दिया, चल भाग यहां से। बच्चा भिखारी कभी पूछ कर नहीं आया करते, एक नया पैसा दे दे बाबा। ले लो बाबा ले लो, सुखी जा, बाहर जा, बाहर जा। सुखी रहो जा, जा। कल्याण हो। तरकारी ले लो मालन तो आई बीकानेर से, तरकारी ले लो मालन तो पालक बेचू, पालक बेचू और बेचू चालाई, घरे बाजार में डंडी मारू मैं मालन की जाई। तरकारी ले लो मालन तो आई बीकानेर से, तरकारी ले लो मालन तो आई बीकानेर से। मैं ठाकुर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि पिता पुत्री को अपने हाथों से इनाम दे। तुम फिर आ गए यहाँ, क्या चाहिए तुम? नाराज क्यों होते हो बच्चा, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शेखर ये तो मेरा भांजा है, मैं इसका मामा हूँ धर्मदास। ये नाम शेखर को मिलना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स वाइट प्लीज वाइट। आप लोग शांति से बैठ जाइए, मुकाबला अच्छा रहा, इनाम पर दोनों का हक। चूंकि इनाम के दो हिस्से नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें एक दूसरा आइटम पेश करना होगा ताकि इनाम सही हकदार को दिया जा सके। ये
एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। प्यार की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ग ग ध रे ध रे सा ध स ग दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। उजियाले में जो परछाई पीते पीते आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ छुप जाए। उजियाले में जो परछाई पीछे पीछे आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ छुप जाए। सुख में क्यों घेरे रहते हैं अपने और पराए, पूरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतरा। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ग ग ग रे स रे स स स ग ग ग ग रे स रे स स स ग छूने से मिट्टी भी सोना हो जाती है।
किसका साया पड़े तो दौलत मिट्टी बन जाती है, किसके छूने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, किसका साया पड़े तो दौलत मिट्टी बन जाती है। मेहनत कश मिट्टी को चूले तो सोना हो जाए, हाथ लगे का हिलता दौलत मिट्टी में मिल जाए, हाथ लगे का हिलता दौलत मिट्टी में मिल जाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जीत शेखर की रही, इसलिए ये इनाम मैं हकदार को देता हूं। शेखर का आखिरी सवाल और उसका जवाब निहायत ही पुरमानी था, इसलिए इनाम के अलावा मैं शेखर को 100 रुपए देता हूं। इतने प्यार और आदर से दिए गए इस रुपए को लेने से भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। अब यही रुपए मैं ठाकुर साहब की आज्ञा से कॉलेज के गरीब विद्यार्थी फंड को देता हूं। ए, क्या कर रहा है तू, 100 रुपए दान दे रहा है, पागल हो गया क्या तू? शाबाश शाबाश। देखता हूँ अब उसे खाना कौन देता है। ये क्या कर रहे हो बाबू, ये किताबें तो शेखर भैया की है। जानता हूँ, इसीलिए तो फेंक रहा हूँ। मैं पूछता हूँ उसे कहीं से 150 मिल जाए तो अपने मामा के हाथ में जीना चाहिए या बाहर दूसरों में लुटाना। मामा जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है, वो भी बरसों पहले जब तुम्हारे माँ बाप मरे और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने घर लिया। क्यों सारे घर को सरपा उठा रहे हो? शेखर ने दान ही तो किया है, कोई पाप तो नहीं किया? पाप भी तो मैं हूँ, इसे पढ़ाया पाप किया, इसकी बहन के लिए लखपति पर ढूंढा पूरा किया, अच्छा किया सिर्फ इसकी बहन ने जो हमारे मुंह पर कालिक लगा के शादी के पहले ही भाग गई। तुम ये बताओ मैंने बुरा रिश्ता ढूंढा था? रिश्ता खास था, 18 साल के दुल्हन 72 बरस का दूल्हा, इसीलिए तो भाग गई और शायद बेचारी अपनी जान पर खेल गई। हाँ हाँ तुम भी मुझे ही दोष दो, मेरी किस्मत में यही लिखा है। किस्मत नहीं तुम्हारी नीयत ऐसी है, देखो ना जो तुमने अपनी बेटी का हाल किया है, 1 साल हो गया ब्याह हुए, दामाद अभी तक नहीं आया लेने। तो ये भी मेरा ही कसूर है? और किसका है, तुम दहेज की बात करके मुकर गए, तुमने दौलत को बेटी से ज्यादा प्यारा समझा, अब बेटी भी तुम्हारे पास है और दौलत भी तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या बेटी सुखी हो या दुखी? रो मत सीता, कितना अच्छा होता कि गौरी की तरह मैं भी मर जाती। सीता ऐसी बात नहीं कहते बहन, ऐसी बात नहीं कहते, तू तो बहुत सियानी है ना, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। शादी के बाद कोई बेटी मेट में सुखी नहीं रह सकती, उसकी सिर्फ एक ही जगह होती है उसका ससुराल। तू घबरा मत, मैं आज ही महेश को खत लिख देता हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएगा, बहुत अच्छा लड़का है। कौन आएगा सर के बल चल के हमारी बेटी ब्याह में? दामाद के लिए हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो हमें जरूर करनी चाहिए। हाँ पर ये भी कैसे हो सकता है, इतने बड़े खानदान वाले दामाद ढूंढ रहे हैं, ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही तो मुसीबत है भगवान, दामाद हमें ढूंढना भी है, दामाद हम ढूंढ भी नहीं सकते, आदमी करे तो क्या करे? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने गोविंद राम जी सब कर लेंगे। ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है, दूसरों से नहीं हो सकता। गोविंद राम जी भी तो अपने ही आदमी हैं, इस घर को वो अपना ही घर समझते हैं। बरसों से आपके जायदाद आपके कारोबार की देखभाल कर वो इतना कर सकते हैं, एक अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ सकते? मेरा बस चले तो मैं आज ही बेला की शादी कर दूं। और कल ही बेला ससुराल चली जाए। हाँ राम ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी बेटी ससुराल कैसे जाएगी? जैसे औरों की बेटियां जाती हैं। आइए आइए गोविंद राम जी, देखिए बेला की माँ को, मंगनी अभी हुई नहीं, बेटी की विदाई का दुख अभी से इन्हें खाया जा रहा है। क्यों ना हो, माँ का दिल है ना। लेकिन बहन जी एक उपाय है, और बड़े खानदानों में तो ये रीत भी है,
कि अगर अपना बेटा ना हो तो दामाद को घर दामाद बना लेते हैं। आपकी राय मुझे पसंद आई गोविंदराम जी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन घर दामाद बनने के लिए कोई राजी भी हो? कौन राजी नहीं होगा, इस खानदान का घर दामाद बनने में तो लोग अपनी शान समझेंगे। हाँ, उनमें से एक सुंदर सुशील और समझदार लड़का चुनना हमारा काम है। मगर एक बात और सोचनी पड़ेगी, बेला पढ़ी लिखी है, हमें लड़का वही तय करना होगा जिसे बेला पसंद करती हो। पिताजी, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? फिर तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। चलिए ना पिताजी, तस्वीरें ले आए। हाँ हाँ, चलो बेटा चलो। मैं तो पल भर के लिए अपनी लाडली बेटी को आंखों से ओझल न कर। जरूरत भी क्या है, मैं ऐसा लड़का ला दूंगा जो हमेशा आपके चरणों ही में रहे। अच्छी है ये तस्वीर, बेला भी अच्छी लग रही। लाइए मेरी तस्वीर। अरे बहन साहब, ये खरीदी है। मेरी तस्वीर किसी दूसरे के घर में नहीं लगेगी। कितने पैसे होते हैं सब काफी और नेगेटिव के? सिर्फ 20 रुपए। मेरी तस्वीर भी किसी दूसरे घर में नहीं लगेगी। ये लीजिए अपनी तस्वीर और तस्वीर के पैसे। सुनिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि अपनी दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं? इंसान की इज्जत, इंसान की खुशी, इंसान की मर्जी। कौन कहेगा कि आप ठाकुर साहब की बेटी हैं? उनकी शांति को देखिए और अपने गुस्से को देखिए। आप तो चलती फिरती आंधी मालूम होती है। लीजिए अपने पैसे। नमस्ते ठाकुर साहब। तुमने खामोखा शेखर से झगड़ा किया, अगर तुम उससे तस्वीर मांग भी लेती वो तुम्हें दे देता। जरा सोचो तो, अगर वो भी तुम्हारे साथ ऐसा करता क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मुझसे भूल गई पिताजी। महिम जी, पीछे आओ। मुनीम जी, पीछे आओ। मुनीम, दीवान जी, जरा एक सब्जा बढ़ान। जी जी जी, ये लिखिए। कौन से खाते में लिखो? उसी में। जी अच्छा। दीवान जी, मेरे बेटे की शादी। हर रोज वही बात, ये तुम्हारे बेटे की शादी कब तक होती रहेगी? दीवान जी, जब तक आपका ये खाता चलता रहेगा। हाँ, ये लो। और देखो जी, मैं अपने बेटे राधे मुरारी को लेने बाहर जा रहा हूँ। हाँ जी जी। जरा काम ध्यान से करना। हाँ। और वो खाता जरा समझ गया ना? फिक्र ना कीजिए, समस्या गंभीर रहेगी। राधे का बेटा है ना, राधे मुरारी? हाँ। बम्बई में छतरी कंपनी का मैनेजर है। छतरी कंपनी? हाँ, अच्छी तनख्वाह पाता है, अपनी बिरादरी का भी है। मैंने गोविंद राम जी से कहा है एक बार अपने बेटे को जाकर ले आए। एक बार बेला से तो पूछ लिया होता। आप भी कमाल करते हैं, इसमें बेला से पूछने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है उसकी मर्जी कहीं और है, वो किसी और को पसंद करती है। किसको? खुद ही ऊपर जाकर देख लो। माँ, 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 वो मेरी तस्वीर है, दे दो ना मुझे। माँ, यही है वो। देखिए ना पिताजी। मैं तो पहले ही देख चुका हूँ, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ ने भी देख ली। जाइए ना पिताजी। मेरा दामाद ये बूढ़ा भिखारी? न ये बूढ़ा है न भिखारी, अच्छा खासा जवान है, यहाँ तो इसने रूप धार रखा है। हाँ राम, फूट गए भात, मैं अपनी बेटी
ऐसे बहु रुपया से नहीं ब्याहूंगी। तुम्हारी बेटी भी तो किसी बहु रुपया से कम नहीं। देखो तो सही, बिल्कुल तरकारी वाली लगती है या नहीं, देखो। लेकिन इस लड़के के माँ बाप घर जायदाद कुछ भी नहीं, न दौलत है न जायदाद है, बाकी सब कुछ है। लड़का पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, दूसरों की इज्जत कर सकता है, अपनी इज्जत का पास है इसे, और सबसे बड़ी बात है बेला उसे पसंद करती है। ठीक है ना? मुझसे क्यों पूछते, बेला से पूछ, मैं होती ही कौन हूँ। अरे सुनो तो सही, सुनो। फिक्र मत करो बेला, शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो, लेकिन फैसला सोच समझ कर करना। मैंने अच्छी तरह सोच समझ लिया है पिताजी। अच्छी बात है, मैं उनसे मिल लूंगा पिताजी। आपने तो मुझे मार ही डाला था, मैं अपने बाप का एकलौता बेटा हूँ, ससुर का अकेला दामाद हूँ, शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने का मौका मिला और आप मेरा स्वर्ग का टिकट काट रही हैं। माफ कीजिए। माफ कर दूं? मैंने आपको माफ किया, अब जाइए, बहुत अच्छी गाड़ी है। अरे भैंस क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। कहीं चोट वोट नहीं लगी ना? नहीं, मैं तो बार बार बच गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र बहुत मजबूत है। लेकिन तुम आए कब? अभी अभी। मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन वो कब की आ गई? अरे वो कौन? वो बेपरकी, बेदुमकी, जो उड़ती नहीं लेकिन उड़कर पहुंचती है, वो आई। मैंने उसे चूमा, आंखों को लगाया और सीधा यहाँ चलाया। तुम मेरी चिट्ठी की बात कर रहे हो? हाँ, ऐसी पहेलियां सिर्फ मैं ही कहता हूँ और सिर्फ तुम ही। इतना लंबा घूंघट किससे पहन रखा है? कौन आया है? महेश तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। अंधा है। आपका तेज देखकर आंखें चुन लिया गई। महेश जी नहीं, आपके चरणों का भार। अजी सुनती हो, महेश आया है। महेश उठो बेटा उठो, लो जलपान करो। जी जलपान चले? हाँ बड़ी ताकत की चीज है। हाँ माँ जी। महेश जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुनाओ घर में सब कुशल तो है? जी सब सब सब। कितने दिनों के बाद आए? चलो अच्छा हुआ आ तो गए, हमें भूले नहीं। जी भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, मेरा शरीर वहाँ था लेकिन मेरी आत्मा आप चला था। हाँ, हाँ, हाँ। यही थी, आपकी देवड़ी में फटक रही थी, तड़प रही थी, फड़क रही थी। जिस तरह जंगल में बनवासी राम हाय सीता, हाय सीता कहकर पुकारा करते थे, उसी तरह मेरा दिल हाय सीता। हाथ पड़ी पांच आने पर, इन्हें तो हमेशा आने पारी की पड़ी रहती है, कुछ और भी तो पूछो। हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अब दहेज के बारे में। ओफ, किसकी याद दिला दी आपने, उन्हें भूलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने तो मुझे कैद में रखा था, दरवाजे पर इतना बड़ा ताला, मेरी मर्जी पर जंजीरें, मैं जंजीरें तोड़ ताल कर आपके चरणों में रहने के लिए चला आया हूँ। ऐसा मैंने पिताजी से ललकार कर कहा, आप बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं कि आप मुझको मेरे ससुर जी से, मेरी सासू जी से और मेरी धर्म पत्नी से अलग कर सके। दिल का रिश्ता खून के नाते से बड़ा होता है ना माँ जी? इसका मतलब तू यहाँ हमेशा रहेगा? जी नहीं, यहाँ हमेशा रहने के लिए कौन आया है, मैं तो सिर्फ दो दिन रहूंगा। दो दिन? अच्छा बेटा, दो दिन के बाद सीता को लेकर चले जाना। बस सिर्फ दो ही दिन रहोगे बेटा? आप मेरा मतलब नहीं समझी माँ जी, कहते हैं जिंदगी सिर्फ चार दिन की होती है ना? हाँ, जिसमें से दो दिन मैंने अपने पिताजी के घर में गुजार दिए, बाकी के दो दिन मैं अपने ससुर जी के यहाँ गुजार दूंगा। ऐसा? जी वैसा। ससुर जी चौप। कुछ नहीं, अपना दामाद आ गया है, वो वसूली करेगा। जाओ जाओ। प्यार का राही दूर में आ गया बेटा, कराए वसूली। जी हाँ ससुर जी। तू बड़ा अच्छा लड़का है,
भगवान करे सब कुछ तेरे जैसा दामाद मिले। ये तो सब आपके आशीर्वाद है ससुर जी। ये लीजिए। मेरे ख्याल से तू 10 घरों में से एक ही घर गया है। जी नहीं, मैं तो सब घर में हुआ हूँ। तो इतने कम पैसे क्यों? बात यह है ससुर जी, आपका नाम धर्मदास है ना? हाँ। लोगों ने मुझे धर्म का वास्ता दिया। धर्म से कहता हूँ ससुर जी, मैं मरे हुए को और नहीं मार सकता। दुनिया में उसूल भी कोई चीज है। 50% सूद देना जुल्म है। मैंने सबका 2% में फैसला कर दिया। ऐसा? अजीब ऐसा। वो वसूली तू कर चुका वसूली, कल से मैं वसूली करूंगा। ससुर जी सुनिए, वो मुझे आप जेब खर्ची के लिए कुछ। जेब खर्ची? जी। धर्मदास जी घर में है? कौन है? ठाकुर साहब। बैठिए बैठिए बैठिए, आपने खुद क्यों इतनी तकलीफ की? मुझे हुकुम भेजते मैं हाजिर हो जाता। ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपके शेखर की खातिर मुझे खुद चल के आना पड़ा। शेखर? शेखर ने कुछ किया है? आने दीजिए बदमाश को। गुस्सा थूक डालिए धर्मदास जी, मैं तो आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे अपना शेखर दे दीजिए। शेखर? जी हाँ, मैं अपनी बेटी बेला की शादी उससे करना चाहता हूँ। उसे दामाद बनाना चाहता हूँ, घर दामाद। ओहो, घर दामाद? जी हाँ। क्या आपको कोई इतराज है? बिल्कुल नहीं, हम जैसे लोग आप जैसे लोगों को इनकार कर सकते हैं? फिर भी आप इजाजत दे तो मैं घरवाली से पूछ लूँ। जरूर जरूर। अजी सुनती हो, ये दोनों तो बाहर झूमर गाने गई है। मैंने कहा बाहर ठाकुर साहब शेखर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सुन लिया सुन लिया, मैं बहरी नहीं हूँ। मैं पूछती हूँ तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? शेखर की पढ़ाई पर जो हमने हजारों रुपए लुटाए हैं वो कौन देगा? रही ना औरत की औरत, रुपए पैसे का क्या है? शादी के बाद शेखर चुका देगा? घर दामाद बन के जाने वाला कहाँ से चुकाएगा? अरे लेकिन दूसरे की आंखों में तो शर्म है, वो चुका देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? रुपया ज्यादा है तो जाने दीजिए, हम शादी में पत्थर रख के बैठ जाएंगे। अरे तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? वो लोग बड़े हैं, हम नाना कहेंगे फिर भी वो लोग घर भर लेंगे। देखो फिर मुझसे क्या पूछते हैं? मैं रही औरत, ये पैसा तो मर्दों पे होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मैंने अपनी घरवाली से पूछ लिया है, वो कहती है। मैं समझता हूँ शेखर की पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 10 हजार। हाँ इतना तो हुआ ही होगा। लीजिए। इसकी भी क्या जरूरत थी। लीजिए, शेखर भी आ गए। नमस्ते ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। शेखर, ठाकुर साहब तुम्हारे लिए बेटी का रिश्ता लेके आए थे, मैंने उनको हाँ कह दी है। तुम्हें तो कोई इनकार नहीं? जी, जब आप बुजुर्गों ने फैसला कर लिया तो मुझे क्या इनकार हो सकता है। मैं जल्दी मुहूर्त निकलवा के आपको इत्तला देता हूँ। अच्छा, आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा। वाह शेखर वाह, बुजुर्गों ने फैसला कर लिया और तुमने मान लिया? अरे वो लोग तुम्हें घर दामाद बना रहे हैं। घर दामाद? हाँ हाँ, जो मैं हूँ इस घर में। अरे ये घर दामाद की क्या बात हो रही है? बात ये है माँ जी, ठाकुर साहब आए थे दामाद खरीदने के लिए और साहूकार साहब ने पूरे 10,000 गिन लिए और बकरा बेच दिया। कौन बक रहा है? शेखर को तो मैंने राजा बना दिया है। राजा? पैसे लेकर? पैसे भी क्या लिए, सूद ब्याज मिला के तो और भी बनता था, लेकिन बेटा समझता हूँ ना, इसलिए घाटा सह लिया। फिर शेखर को भी रिश्ता मंजूर है? क्यों शेखर? जी हाँ, मुझे मंजूर है। सीता, भाई का मुंह मीठा करा। आज गौरी होती तो कितनी खुश होती। गौरी, तुम कहाँ हो बहन? मैं तो ये भी नहीं जानता तुम जिंदा भी हो या नहीं। मास्टर साहब, बस कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। सब आपकी मेहरबानी। हाँ बेटी, जरा पान तो खिलाना। हाँ पान खिलाओ उस्ताद को। अच्छा मास्टर। क्या नाम बताया आपने? चिदानंद, शिवानंद, सदानंद, या इनमें से कोई भी नहीं? सदानंद। मैं ही बोल जाता हूँ।
देखिए गौरी खूब तैयारी में है, मेरी तरफ से बेशक आज स्टेज पर ला सकते हैं। अब जितनी देर है आपकी तरफ से मालूम है, शिष्य से गुरु को नाम मिलता है और साहूकार को दाम भी। पंखाई जीती रहो बेटी। पिताजी जल्दी चलिए ना, दूसरी जगह रियाज का वक्त हो गया है। हाँ बेटी चलो भाइयों। मगर मास्टर जी उस तरफ से नहीं, पीछे के रास्ते से। समझा। आइए। नमस्ते। नमस्ते सुदानंद जी, लेनदार से कब तक तुम छिपाती फिरिएगा? बस गौरी के स्टेज पर आने की देर है, आप तो जानते हैं। मास्टर जी क्या कह रहे थे? अरे हाँ मास्टर जी, हाँ मास्टर जी कह रहे थे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मास्टर जी कह रहे थे कि मोरनी की तरह से नाचती है, कोयल की तरह से गाती है, और कह रहे थे कि जब स्टेज पर जाएगी ना तो लोग अपना दिल बिछा देंगे। गौरी मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है जिसमें एक साथ इतने गुण है। किस्मत तो मेरी बलवान है कि मुझे आप जैसा पति मिला। मैं तो डूबने जा रही थी लेकिन आपने मुझे बचाया, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, मंदिर में भगवान को साक्षी बना के मुझसे ब्याह किया। आपके कारण मेरे बिगड़े हुए भाग संवर गए। गुरी जरा देखना कौन है। अरे गुरी वापस क्या है? एक बात तो मैं कहनी भूल गया था, अगर कोई पैसा मांगने वाला हो ना तो साफ कह देना कि साहब घर में नहीं है। अच्छा। माफ करना मैं किसी दूसरे मकान में आ गया। दस नंबर का मकान यही है ना? हाँ यही है। आप कौन है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं इस घर की बहू। बहू? कहाँ है वो बदतमीज नालायक आवारा घर? बहुत हो गया, आपने मेरे पति की शान में एक लफ्ज और कहा तो अच्छा ना होगा। सुनिए देखिए तो यहाँ कौन आया है जो मुंह में आता है उगली जा रहा है। कौन है? पिताजी माफ कीजिए। हटो, ये क्या बकवास है? क्यों रे बेशरम, तूने क्या समझ लिया था कि मैं मर गया हूँ जो अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर लिया? तेरा भाव तो इसमें रोने की कौन सी बात है? पिताजी का गुस्सा मैं जानता हूँ, मैं उनको मना लूंगा। उनका गुस्सा क्या है? सोडा वाटर की बोतल ऊपर गया, फटाका है नीचे। जल्दी आ जाइएगा। अच्छा देखिए पिताजी को भी साथ लेते हैं। अच्छा मैं उनके लिए भी खाना बना के रखूंगी। हाँ ये अच्छा है, उनके लिए खाना बना लो तुम जल्दी से। जल्दी आ, एकदम जल्दी आऊंगा मैं, तुम जाओ। जी पिताजी। मैं पूछता हूँ तूने मेरा बेटा होकर ये क्या गधापन किया, यानी कि तूने अपनी किस्मत पर अपने हाथों से झाड़ू फेर दी। लेकिन पिताजी हुआ क्या? अरे हुआ तेरा सर, मैं तेरे लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाकर आया था। अरे बेवकूफ, तू ठाकुर साहब की सारी जायदाद का मालिक बन बैठता। हाँ मैंने उन्हीं की लड़की बेला के साथ तेरी शादी तय की थी। वेरी गुड पिताजी, मैं शादी करने को अभी भी तैयार हूँ। हाँ अगर चांस मिले तो क्यों छोड़ा जाए? नहीं नहीं के... अरे बेवकूफ, ये चांस तो तैने इसके साथ शादी करके गवा लिया। पिताजी आखिर हूँ आप ही का बेटा ना, मैंने कौन सी पक्की शादी की है? अरे ना घोड़ा ना बार आना पंडित, मैंने तो अपना नाम भी झूठा बताया है। अच्छा। उस गरीब को तो नाम भी नहीं मालूम मेरा असली। शाबाश शाबाश, शादी का कोई गवाह है? गवाह है ऊपर वाला है। तो फिर कुछ परवाह नहीं, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। आमिर समझते क्या है अपने आपको जी? मैं आपको ऐसी नजर आती हूँ। अजी मैम साहब, किसने कहा आपसे ये आपकी तस्वीर है? मैं सब जानती हूँ, आपने जानबूझ के बनाई है। अच्छा तो ये लीजिए, घर आपकी तस्वीर किसी दूसरे के घर में कैसे लग सकती है? तेरी प्यार
प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर मौसम की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। निकला न करो तुम राहों पर जर्रों की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू।
आइए गोविंदराव जी, आपने बड़ी देर कर दी आने में। बैठी, आपसे मुझे बहुत सी बातें करनी है। यही है मेरा बेटा राधे मुरारी, प्रणाम करो। ठीक है, जीते रहो बेटा, बैठो। हाँ, जब आपने इसे बचपन में देखा था बिल्कुल इतना सा था। मालिक ने शादी का एक कार्ड भेजा है और कहा है कि आप इसे देखिए। मुझे कार्ड भी दिखाने की क्या जरूरत है, जैसे सब काम मुझसे पूछ कर ही करते। जाओ ले जाओ उन्हीं के पास। जी जरा देखूं तो। जी, बाप बेटी ने मिलकर अपनी पसंद का रिश्ता तय कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। मैं होती ही कौन हूं इस घर में। बड़ी छाती ठोक कर लाए थे मुझे। हो गई बेला से मेरी शादी, बन गया मैं ठाकुर साहब की जायदाद का मालिक। बेला गई है मगर जायदाद तो नहीं गई। अरे वो भी चली जाएगी पिताजी, आप तो सपने देखते हैं और वो भी दिन में। जरा धीरज से काम दो राधे, मैंने भी इस खानदान को दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम गोविंद राम नहीं। बेला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, दरवाजा तुम्हारी सहेलियों ने बंद किया है। जानती है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम कैद कर दिए गए। किसी की सुहाग रात शादी के एक दिन बाद आती, किसी की एक साल बाद। अरे जालिम, अपनी सुहाग रात तो पूरे 1.5 साल बाद आई। वाह साहब, हम जितना करीब आ रहे हैं घूंघट साहब उतने ही लंबे होते जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप सेवा के लिए सरकार। सेवा क्या करोगे तुम लोग? मैं हुजूर की मालिश करूंगा सरकार। मैं सरकार के बूट को पॉलिश करूंगा। मैं हुजूर को कपड़े पहनाऊंगा। मैं सरकार को खाना खिलाऊंगा। इतने थोड़े से काम के लिए इतने सब आदमी? इस घर का दस्तूर है सरकार। हाँ सरकार, देखो भगवान ने मुझे भी हाथ पांव दिए, ये सब काम मैं खुद कर सकता हूं। तुम लोग जाओ जाओ शामिल चलो। अरे ये क्या हुआ, इन सबके सब मुंह लटकाए चले आ रहे हैं, क्या हुआ रे दिन बाद? दामाद जी कहते हैं उन्हें नौकरों की जरूरत नहीं, नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे। क्या नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे? छी 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 छी, गोविंद राम जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, इस घर का क्या बनेगा? राम राम राम, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अजी मैं तो पहले ही जानता था बड़े घर की मान मर्यादा क्या होती है, ये छोटे लोग क्या जाने। कल तक दामाद जी के सर पर छत नहीं थी, ठाकुर साहब ने लाकर महल में बिठा दिया। गोविंद राम जी, अपना काम करने से आदमी छोटा नहीं बन जाता, छोटे आदमी जरूर ऐसा समझते हैं। जी लेकिन मेरा मतलब यानी कि वो, आप ये मत भूलिए, शेखर दामाद है इस घर का, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि शेखर के सामने या पीछे उसे वो इज्जत न मिले जिसका वो हकदार है। जीते रहो बेटा। शेखर जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे आने से घर का नक्शा ही बदल रहा है, आओ मेरे साथ। खाने तुमने देख ली, आज से ये सब तुम्हारा है। क्यों शेखर खामोश क्यों हो? पिताजी मैं इतना छोटा हूं और काम इतना बड़ा है, मेरे कंधे क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकेंगे? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।
तुम मेरे दामाद नहीं बेटे हो। गोविंद राम जी चाबियां मुझे दीजिए। ये लो बेटा, आज से खान का पूरा इंतजाम इनके जिम्मे होगा। इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। इनका हुक्म मेरा हुक्म समझा जाएगा। समझे गोविंद राम जी? जी हाँ। बैठो बेटा, बैठो। समस्या गंभीर है। पहले जायदाद गई, आज चाबियां गई। दीवान जी कुर्सी संभालिए, कहीं ये भी ना चली जाए। चुप रहो, जाओ अपनी जगह पर। ले आए पानी। हाँ, ये काम तुम्हारे लायक है। अब लगे हाथ चूल्हा भी फूक दो, पानी गर्म हो जाएगा। अब चूल्हा भी फूकना पड़ेगा मुझे। उसमें क्या हुआ बेटा, घर का काम है, उसमें शर्म कैसी। बैठो बैठो, चूल्हा फूक। अरे मेरी तौबा, अरे मेरी तौबा। फूको बेटा, फूक। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये तो औरतों का काम है। उठिए उठिए, मैं फूंक देती हूँ। आंखों को धुआं लगेगा तो आंखें चुंधिया जाएंगी। तो क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी आंखों में जो हमारा फोटो रहता है ना, वो धुंधला पड़ जाएगा। सीता, मैं तुम्हारे बाप की सब चालाकियां जानता हूँ। वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे चूल्हा फूंकना मंजूर है। पानी गर्म हुआ यहाँ से, सब धुआं धुआं हो गया। पानी तो ठंडा है, हाथ लगेगा तो खाता है। ये साबुन लो और कपड़े धो डालो। साबुन पिताजी, वो तो मैंने पहले ही धो डाले। ऐसा जी वैसा। अब क्या काम बाकी रहा? अब क्या काम? भैंसे भैंसे। हाँ हाँ भैंसे। लेकिन पिताजी, भैंसों के लिए नौकर। जाओ, मेरा मतलब है। अंदर जाओ। सीता बेटा, तू नदी पर से भैंसों को चरा के लिया। क्या हुआ क्या हुआ? अब मुझे इस घर की भैंसे भी चरानी पड़ेंगी। तो क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? आपका इतना बड़ा नाम है धर्मदास, और आपका दामाद इतना छोटा काम करेगा तो उसमें आप ही की इज्जत खराब है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वो मैं संभालूंगा। तू नदी पर से भैंसे चरा ला, मैं इज्जत को संभालूंगा। क्या आप मुझे मारते? मैं कोई भैंस वैंस नहीं चराऊंगा। आओ बेटा, जाओ। हाँ मेरी कलेजियो, मेरी प्यारी हो। इस तपती दोपहर में आई हो मेरी खातिर? तुम भी तो इस तपती दोपहर में भैंसे चरा रहे हो मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भैंसे चरा सकता हूँ, भैंसे चुरा सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में तो मुझे भैंस बनना भी मंजूर है। वाह, चलो हटो शैतान कहीं के। जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था, बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था, बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था, बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। हम तो भी
दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के, हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इतना मैं गिर चुका हूँ कि नादान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ, जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ, जाना जाना तुम्हारे प्यार में। पत्थर की एक तस्वीर हूँ या समझ लो एक उते बेपीर हूँ, अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ या समझ लो एक उते बेपीर हूँ, अपने पैरों बंध गई जो प्यार में, ऐसी एक उलझी हुई जंजीर हूँ, हालत को अपनी देख के हैरान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ, जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ, जाना जाना तुम्हारे प्यार में। कहाँ है? रांझी हाउस में है, बड़े आराम से हैं। सरकार का इंतजाम देखकर तो मैं हैरान हो गया। धर्म से कहता हूँ ससुर जी, बड़ी अच्छी जगह, आप जाके देखिए। ठहर, तुझे वहीं भेजता हूँ। मुझे मत भेजिए, आप खुद चले जाइए और जाकर भैंसों को सलाह लाइए, वरना आपको 8 रुपए की जगह और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 8 रुपये? जी हाँ, वरना 16 रुपए। 16? उसके बाद में 32, 32 के बाद में 64, उसके बाद में 128। 128? अभी तो 256 का आंकड़ा बाकी है। 256? मुनीम जी। जी, ये हर 2 दिन के बाद जो 100 रुपए लिखे गए हैं कौन से हिसाब में डालेंगे? जी समस्या गंभीर जी, वो दान के हिसाब में जी। दान? जी। कैसा दान? गुप्त दान। जी हाँ, दान चूंकि गुप्त होता है इसके नाम नहीं लिखा जाता। आइंदा लिखा कीजिए मुनीम जी। जी। ये वक्त है तुम्हारे काम पे आने का? क्या करूं साहब, डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, एक फैक्ट्री में एक दीवान जी के घर में। तनख्वाह तुम्हें फैक्ट्री से मिलती है दीवान जी के घर से? जी फैक्ट्री से साहब। तो कल से सिर्फ फैक्ट्री में काम किया करो। जी अच्छा साहब, जाओ। मैं कहता हूं नहीं मिलेगी, अगर तुम छुट्टी पर गए तो तनख्वाह कट जाएगी। इतना तो सोचिए दीवान जी, मैं बीमार आदमी हूँ। ये खान है, अस्पताल नहीं। जाओ जाओ अपना काम करो। दीवान जी, दीवान जी, दया करिए दीवान जी। बाबा, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए तुम्हें? सरकार 1 महीने की। जाओ, तनख्वाह नहीं कटेगी। बैठिए। शेखर भैया नहीं दिखाई देते? बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाती हूँ। जी नहीं, ये सूखी मिठाई नहीं खाएगी, पहली बार भैया के ससुराल आई है, ये साड़ी जरूर लेगी। क्या साड़ी इससे अच्छी है, जरूर मिलेगी। हो वाह, शेखर भैया के तो खूब ठाट है, बीवी मिली है बढ़िया और मकान मिला है शानदार। भाभी है बड़ी अच्छी मगर कितनी लापरवाह है, देखिए ना जेवर कैसे छोड़ रखे हैं, कोई उठा के ले जाए तो चोरी हो जाती। बेला, नमस्ते जी। बेला, बेला, तुम भी कमाल करती हो, उन लोगों को ऊपर ले आई हो,
अपने कमरे में? वो शेखर के रिश्तेदार है माँ। मालूम है, ऐसे लोगों को मुंह लगाओगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? आहिस्ता बोलो माँ, वो सुन लेंगे। गंगा ये ले जाओ। सुन लेंगे तो क्या करेंगे, तुम्हें भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। माँ मुझे अपनी इज्जत का खूब ख्याल है, मुझे ये भी मालूम है घर में मेहमान आए तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अरे कहाँ चले गए वो लोग? वो तो चले गए बीबी जी। चले गए? अरे महेश तुम लोग कब आए? बस थोड़ी देर हुई। अच्छा भैया फिर मिलेंगे। तुम सीधा बात क्या है, तुम लोग इस तरह से आए और इस तरह से चल गए? नहीं कोई बात नहीं, चलिए। क्या बात है, ये लोग इस तरह चले क्यों गए? बड़े शौक से तुम्हें मिलने आए थे, माँ ने बेइज्जती कर दी, बेचारे चले गए। बेइज्जती? तुम क्यों दिल छोटा करती हो, जो होना था वो हो गया। महेश, शेखर, महेश मैं बहुत शर्मिंदा, तुमसे माफी मांगने आया। माफी किस बात की यार, तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ उसकी। हटाओ यार, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, जैसे तुम घर दामाद हो वैसे मैं भी हूँ, और घर दामाद की जो हालत होती है वो तुमको भी मालूम मुझे भी मालूम। आइए छोटे ठाकुर पधारिए पधारिए। माफ करना ससुर। आज ये सुनती हो, ठाकुर साहब के दामाद आए हैं। मामा जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए वही शेखर हूँ, दिवाली पे आपके चरण छूंगा। ओ शेखर जीते रहो खुश रहो, लो मुंह मीठा करो और सुनाओ सब ठीक है ना? सब अच्छा। अच्छा मैं चलता हूँ। बस बैठोगे नहीं? घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं, जरा काम है। हाँ जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ। अच्छा अच्छा जाओ, तुम लोग अपना अपना काम करो। बहन जी मैंने तो आपके सामने इनकी तलाश भी ले ली। तो हार गया कहाँ? ये सब लोग पुराने नौकर हैं, इनके मुंह में इतनी जल्दी पानी नहीं आ सकता। तो हार कहाँ गया, कमरा निकल गया? बहन जी इस कमरे में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? आए थे शेखर के रिश्तेदार। हाँ समझा। क्या समझे आप? छोटे लोग जब इतनी बड़ी चीज देखते हैं तो आंखें फट जाती हैं। हो न हो हार वही ले गए। माँ बिना जाने बूझे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ उन पर। ये झूठा इल्जाम नहीं है, ये काम उन्हीं का है। माँ ठीक है, मुझे क्या, क्या बात है दीवान जी? बात तो कुछ भी नहीं, बेला रानी का हार गुम हो गया। बेला ये हार कैसे गुम हो गया? बस हो गया, कोई और बात करो। जाने दो शेखर, भूल जाओ, तुम मेरे पास हो तो सारा जहान मेरे पास है। सच्चे हीरो का है, इसीलिए तो इतना खूबसूरत है। कौन बे? राधे मुरारी। क्या हुआ? मेरा बाप। क्या बाप? हाँ। हाय बाप। चुप जल्दी, चुप राधे, चुप 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 जल्दी है राधे। अरे भाई आता हूँ। अरे अरे भाई भाला नहीं, क्या नहीं नहीं। आधे मुरारी जी आया, जी आया पिताजी, अभी आया, अभी खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ, जल्दी खोलना। जी जी हाँ जी हाँ खोलता हूँ। ये लीजिए खुल गया, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों है? जी बस आप आए ना तो आंख लग रही थी। आंख जी किससे? जी नहीं किसी से नहीं, मतलब इधर यहाँ बैठे बैठे वहां सो गया था। ये क्या है? ये कहाँ है जी? ये मद्रास का माल है, नकली माल है। जी हाँ दर्द है कुछ दिखाओ। Thank you.
नकली माल है, एकदम नकली माल है, मैं सब कुछ जानता हूँ। पिताजी वो छत के ऊपर चिड़िया बैठी थी चिड़िया, मैंने उसको हुशुश कर दिया। अच्छा एकदम पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए आप इस पर बैठिए, उस कुर्सी पर बैठिए। चल बाहर बाहर निकल जल्दी। तो हार तूने चुराया था, बोल। हाँ। तो ले चलूं थाने। पाए लगे दीवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर चोरी करेगी? नहीं नहीं, तो भाग जाए यहाँ से। अरे तू नहीं जलील, मैं तुझे कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ और तू ये हरकतें करता है, गधा ना हो तो। शिवचरण जी, ये ले। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं, ये हार वापस कर रहे हैं आप? मैं इतना बेवकूफ नहीं, वो धर्मदास है ना। धर्मदास? अरे वही शेखर का मामू जो चोरी का माल खरीदता है। जी हाँ जी हाँ, आइए जाकर उसके पास बेचा। लेकिन वो तो कौड़ियों का माल खरीदेगा दीवान जी। कोई बात नहीं, हम उसी के पास बेचना चाहते हैं। जी बहुत अच्छा। तुमसे पुराना लेन देन है इसलिए 300 दूंगा, माल तो इतने का भी नहीं। लाओ धर्मदास, जितना देना है दे दो, हम कौन से दूसरी दुकान पे जाने वाले। देखो तुम इधर जाओ और देखो काम ठीक हो रहा है कि नहीं। शेखर बेला, तुम आती हो कि मैं आऊं? अजी कमाल है, जब देखो मुझे बुलाती हो, तुम आओ ना। अच्छा बाबा ठहरो, आता हूँ। मोहब्बत की राह में दिल खो गया, क्या मिल गया है क्या खो गया, मुझे मेरे बाल में क्या हो गया। ओए होए हम खो गए अजी, तुम खो गए, मोहब्बत की राह में दिल खो गया। खुद ब खुद खुल चलेंगे, जिधर से भी हम तुम बहकते चलेंगे, ये खुशियों के प्याले झलकते चलेंगे, हवाओं के आंचल महकते चलेंगे। नए रास्ते खुद ब खुद खुल चलेंगे, जिधर से भी हम तुम बहकते चलेंगे, हो बहकते चलेंगे। खो गए मोहब्बत के राह में दिल खो गया। जहां से सफर ये शुरू हो रहा है, नए एक जमाने की वो इब्तिदा है। सफर ये शुरू हो रहा है, नए एक जमाने की वो इब्तिदा है। कहीं तुम कभी तुम भुला तो ना जाओगे, धड़कता हुआ दिल मेरा पूछता है, दिल मेरा पूछता है।
खो गए हाय तुम खो गए, मोहब्बत गिरा हूँ मेरे दिल खो गया। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम में क्या हो गया। हर एक बात गीतों में ढलने लगी है, हर एक आरज़ू फिर मचलने लगी। ओ तुम अपनी इन आँखों का जादू तो देखो, के दुनिया ही मेरी बदलने लगी है। हर एक बात गीतों में ढलने लगी है, हर एक आरज़ू फिर मचलने लगी। ओ तुम अपनी इन आँखों का जादू तो देखो, के दुनिया ही मेरी बदलने लगी है। ओ बदलने लगी है, हाय 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 हाय। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम ये क्या हो गया। हम खो गए हाय तुम खो गए, मोहब्बत गिरा हूँ मेरे दिल खो गया। माँ जी मैं तो आपके लिए भी लाया हूँ, ये हाथी दांत की कंगी, इससे जू निकालो। अच्छा। और मुझे भूल गए बेटा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहा हूँ। ससुर जी सर की तरह, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके लिए ये खुशबू वाला तेल लाया हूँ जो बालों को काला और लंबा करता है। ऐसा जी वैसा मैं आपकी मालिश करूँ? ससुर जी, ससुर जी कहाँ गए? आपकी किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं। लगता ही नहीं सर को, क्या रखें आप, जल्दी करो जल्दी करो, बड़ी गर्मी हो रही है, दामाद से सर की मालिश करवानी है। जी मालिश एक ही दफा करवा लेना, पहले मेरा हिसाब चुका दो। हिसाब? हाँ, कंघी का, सैंड का, तेल का, जो बालों को लंबा और काला करता है। तुमने दिया क्यों? अरे वाह, कैसे नहीं देता, अरे सारा बाजार दे रहा था तो मैंने भी दिया। तो सारा बाजार लेने आएगा तब तुम आना। सारा बाजार कैसे आएगा? धर्मदास, धर्मदास ये लो, सारा बाजार भी आ गया। लो धर्मदास, हमारा हिसाब चुका। जो पैसा ससुर जी मालिश। मैं तेरी मालिश करता हूँ, काम के ना काट के दुश्मन अनाज के। मैं घर में बैठा रहा और तू बाहर उधार उठाता रहा, साहूकार को कर्जदार बनाया। अरे तो कौन सा मैंने अपने लिए उठाया है? पैंट लाया आपकी बेटी के लिए, कंगई लाया बेटी की माँ के लिए, तेल लाया बेटी के बाप के लिए जो बालों को काला और लंबा करता है। मैं तुझे लंबा करता हूँ? अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? एक मिनट ससुर जी, सीता सीता, तुम ये माथे का टीका और मांग का सिंदूर मिटा दो, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब तुझे पैंट ला के कौन देगा? आप भी अच्छी जबरदस्ती करते हैं ससुर जी, किसी को भी फांसी की सजा होती तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। अरे भाइयों पुलिस। ससुर जी पुलिस आ गई। ये सब क्या है? दुहाई है माय बाप, बचाइए मुझे। थानेदार, हवलदार, थानेदार। चिल्लाते क्यों हो? ये मजमा इकट्ठा क्यों किया है? ये सब खून देखने आए हैं। खून? जी हाँ, वो भी मेरा, जो ये करने वाले हैं। मुखड़ा दिखाइए। चलो दौलत थाने। चलो ससुर जी। ये हंसते क्यों हो? मालूम होता है आप इस इलाके में नए नए आए हैं, ये तो मजाक करने की आदत है, हमेशा मजमे इकट्ठे करते हैं, है ना बेटा? ए खबरदार मजाक किया, नहीं तो तुझे भी थाने ले जाऊंगा। चलो अपना काम करो, चलो चलो।
चला गया पुलिस, अब चल। कोई बात नहीं सुसुद्दीप, आप मुझे डुबा दीजिए, लेकिन इसमें आप ही का नुकसान है। जी हाँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बताना भूल गया कि मुझे नौकरी मिल गई है शेखर की ऑफिस में, 200 रुपया महीना। 200 रुपया महीना? और ये चला 200 डूबने। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पिटाई से नहीं करना। अच्छा तो फिर एक काम करो, क्या आप मुझसे माफी मांगो? जाओ माफ किया। बहस, तुम्हें ठाकुर साहब ने नौकरी पे तो रख लिया है, लेकिन तुम काम क्या करो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मजदूरी कर सकता हूँ, क्लर्की कर सकता हूँ, मैनेजरी कर सकता हूँ। गोविंद राम जी, आपके पास महेश के लिए कोई काम है? जी नहीं, ऑफिस में पहले ही आदमी ज्यादा है और काम कम। मेरे ख्याल में मुनीम जी के पास काम ज्यादा है। जी नहीं, आप फिक्र न कीजिए, मैं इनके लिए किसी काम का बंदोबस्त कर दूंगा। जी बहुत अच्छा। अच्छा महेश, समस्या गंभीर है। जाओ वहां बैठो। अरे अरे, ये क्या, 100 रुपए के लिए सारा सामान तुम ले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारे तो 300 निकलते हैं। लाला जी, यहाँ तो हाथ लगने की बात है, जितना उसके हाथ लगा वो ले गया, जितना हमारे हाथ लगा हम ले जा रहे हैं। चलो उठाओ। अरे ले जा भाई, ले जा ले जा, मेरे लिए तो ये तस्वीर काफी है। खूब बेवकूफ बनाया है इस आदमी ने मुझे, नकली नाम बताकर सारे रुपए ले गया। सब मालूम पड़ेगा लाला, जब पुलिस हथकड़ी डालेगी। मैं आपके बहुत अच्छी हूँ, भगवान के लिए तस्वीर न ले जाए। क्यों? ये मेरे पति, मेरे देवता है। कमाल है, देवता का नाम झूठा, काम खोटा। रहना चाहिए जिसे जेल में, वाह रे हिंदू नारी, तू उसे भी मंदिर में बिठाती है। वो जैसे भी, मेरे सिर के ताज, आप मुझे तस्वीर दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका देती हूँ। क्या किया गौरी, क्या करती? वो लोग जेल की धमकी दे रहे थे, अगर उनकी इज्जत बर्बाद होती तो मेरा क्या रहता दुनिया में? जरा एक सत्ता बताना, लगे हाथ एक और। ये 10 रुपए तुम अपने बेटे की शादी के लिए रख लो। हाँ शुक्रिया। शेखर बाबू, आप जी आ रहे, सिर्फ ये बता दीजिए कि जो रुपए आपने लिए हैं वो कौन से हिसाब में लिखे हैं और ये रुपए कौन से हिसाब में लिखे हैं। नहीं 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 शेखर बाबू, ऐसी कोई बात नहीं, ये मुनीम जी जानते हैं। गोविंद राम जी, जो मुनीम जी जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। आज से ये गुप्त बंद बंद। शेखर बाबू घबराइए नहीं, मैं ठाकुर साहब को नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, आइंदा ये हिसाब किताब नहीं चलेगा। महेश जी इधर आओ। मुनीम जी चाबियां लीजिए, चाबियां लीजिए। महेश ये लो पैसे और चाबियां, आज इस गद्दी पे तुम बैठा करो। शेखर बाबू, लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए, गैस का मामला बड़ा नाजुक होता है और मुनीम जी को कई सालों का तजर्बा है। गोविंद राम जी, गैस के मामले में तजर्बे से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। महेश बैठ तुम। हरे राम, वाह जी, पीछे आओ। समस्या अवश्य गंभीर है। निश्चय गंभीर है। क्या कहा, उसने चोर को खजांची बना दिया? अभी आगे आगे देखिए दामाद जी क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन आप तो पुराने आदमी हैं, आपने कुछ नहीं कहा,
मेरी कौन सुनता है? ठाकुर साहब भी तो उन्हीं की तरफदारी करते हैं। क्यों दीवान जी, माँ को क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है? कुछ नहीं बिटिया, दामाद जी की तारीफ कर रहा था। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। गलत करते हैं ना, उन्हें अपना काम नहीं करना चाहिए, जायदाद दूसरों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। यही ना दीवान जी? ये क्या बेला, बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं तुम्हें? मैंने कहा ही क्या था बिटिया, मैं तो उन्हें भी समझाता हूँ। यही तो दिन है तुम लोगों के हंसने खेलने के। ये क्या अच्छा लगता है कि वो दफ्तर में जुटे रहे और तुम घर में बैठी रहो अकेली। वो तुम्हें बाहर ले जाएं, घूमें, सैर करें। अच्छा, अब मुझे मालूम हुआ आपको क्या दुख है। सुनिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों बहुत सुखी हैं और आज ही ड्रामा देखने जा रहे हैं। ये रावण कंपनी के नाम है। प्रकाश शेखर, तुम अब तक काम कर रहे हो? थिएटर का टाइम हो गया, चलो। बेला काम बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ी देर और लगेगी। ऐसा करो तुम, चलो मैं बाद में आता हूँ। देखो जल्दी आना। प्रकाश राव जी ने तो ये गीत साधु
है शेखर? कुछ नहीं बिल्ला, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मेरी बहन नहीं, मेरी बहन मर जाती लेकिन इस तरह गली गली खानदान की इज्जत में बेचती। ये जानकर के तुम मर गई हो गौरी, में कितना रोया हूं, अगर आज तुम्हें जिंदा देखकर खून की आंसू बहाने को जी चाहता। अगर मामा जी की तय की शादी तुम्हें पसंद नहीं तो मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने, घर से भाग जाने की क्या जरूरत? मैं मरना चाहती थी। तुम मर क्यों नहीं गई? इज्जत की मौत इस बाजारी जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी। गौरी कौन है ये? ये मेरे भैया है, इसलिए यहाँ समझते हैं, बिना जाने बुझे जो इनके मुंह में आए कहते चले जाए। बहन, आपने अपने बहन से पूछा तो होता, इस पर क्या गुजरी है? इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका सिर नीचा हो। पति इसे छोड़कर चला गया, बेचारे ने उसे ढूंढने के लिए ये रूप था। जुल्म मर्द करता है, सजा औरत भोगती है। ये बात भाई भी नहीं समझ सकते क्योंकि भाई भी मर्द होते हैं। भाई साहब, गौरी मेरी बेटी की तरह है, इसने कोई पाप नहीं किया है, ये गंगा के समान पवित्र है। गौरी भैया, तुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। हंस पूछ डालो, मैं जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हारी झोली में भर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कभी आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रो मत गौरी, रो मत, सब ठीक हो नहीं आऊंगी, मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते। भगवान पे भरोसा रखो गौरी, तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिलेंगे। मैं वादा करता हूं जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूंगा कभी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम पर उंगलियां उठाए। बहन होकर मैं भाई की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं भी तो भाई हूं गौरी, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। तुमने बहुत दुख उठाए गौरी, बस बस यूं समझो बहन के तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मैं यहां से जाऊंगी तो पहले पति के घर, वो नहीं मिले तो सारा जीवन मैं उन्हीं की खोज में गुजारती। गौरी, हाँ भैया, यही मेरी प्रतिज्ञा है।
आपने मुझे बुलाया है पिताजी? हाँ शेखर, हर भाई का फर्ज है कि वो अपनी बहन की मुसीबत में काम आए। बहन? मेरी बहन इस वक्त मुसीबत में है जी। हाँ शेखर, मेरी एक बहन है जिसने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा है, यह है उसका पता। एक काम करो, ऑफिस से 10,000 रुपए लेकर खुद वहां पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा। हाँ सुनो जी, बेला की मां और मेरी बहन में बनती नहीं, मैं ये रुपया खुद दे आता या डाक से भिजवा देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को मालूम हो। बेला की मां खामोखा हंगामा मचा देगी। बेटा जी, वायदा करो कि ये बात तुम अपने ही तक रखोगे। महेश, मैंने कैश में से 10,000 रुपए लिए, मेरे हिसाब में लिख दे। लेकिन इतने सारे पैसे आप कहां ले जा रहे हैं? हर बात बताई नहीं जा सकती। अरे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं है। अंधेर हो गया बहन जी, घोर अंधेर। क्या हुआ गोविंद राम जी, ये आपके चेहरे पे दाग कैसे? अजी ये दाग तो धुल जाएंगे, मगर वो दाग कैसे मिटेगा जो दामाद जी इस खानदान को लगाने गए? क्या किया शेखर? क्या बताऊं, आज ही दफ्तर से 10,000 रुपया लेकर कहीं चले गए और कह गए हैं कि मेरे हिसाब में लिख लेना। सुन रही हो बेटा? सुन रही हूँ। तुम्हें भी कुछ नहीं कह गया? अजी बिटिया रानी को भी कहाँ बताया होगा? आपने तो पूछा होता। ये मजाल किसने है, वो सुनते हैं किसी की? महेश जो उन्हीं का रिश्तेदार है, जब उसने पूछा तो टका सा जवाब दे दिया और डांट के कहने लगे हर बात नहीं बताई जा सकती। बहन जी मुझे तो दाल में काला नजर आता है। दामाद जी जवान है, खून में गर्मी है, और फिर पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ता। आदमी को भटकते कुछ देर लगती है। अच्छा मैं चलूं? बस अभी आए और अभी चले। सफर से आए हो तो एक रोज आराम कर लो। और बेटा तुम्हारे यहाँ रहने से इनकी तबीयत भी लगी रहेगी। जब से शेखर आया है खान की काया ही बदल गई है। मजदूर भी खुश हैं, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया। ठाकुर साहब अब उस तरफ न जाइए, जमीन कच्ची है। जब खुदाई शुरू होगी तो मजदूर जाएंगे ना। चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन आइए। जल्दी चलिए ओके साहब, जल्दी चलिए, ठाकुर साहब ने आपको बुलाया। चलो साहब, चलिए चलिए साहब। मैं समझता हूँ वकील के आने का क्या मतलब होता है। ठाकुर साहब वसीयत करना चाहते हैं। वसीयत? जी हाँ, इसीलिए आपको वहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं। दुनिया का क्या भरोसा, सैकड़ों बहकाने वाले होते हैं, न जाने ठाकुर साहब किसके नाम वसीयत कर दें। हो सकता है शेखर बाबू को ही सब कुछ दे दे। मुझे क्या, चाहे जिसके नाम करे, उनकी अपनी दौलत। आप अपने बारे में बिल्कुल ना सोचिए, ये तो बिटिया रानी की जिंदगी का सवाल है। दामाद जी के लक्षण तो आप देख ही रही, जायदाद अभी मिली नहीं तो ये हाल है, और अगर कहीं उनके नाम वसीयत हो गई तो भगवान जाने क्या हाल हो। मालकिन आपको अंदर बुला रहे। बिटिया रानी तुम्हें भी। कहिए क्या बात है? तुमसे क्या पर्दा, मैं वसीयत कर रहा हूँ। वसीयत? मैंने सोचा है कि आधी जायदाद बेला को दूं और आधी शेखर को। बेटे को इतना भी क्यों देते, सारी जायदाद दामाद के नाम लिख दीजिए। लिख भी दूं तो मुझे विश्वास है
कि बेला को कोई इतराज नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों बेला, चुप क्यों हो? क्या बोले बेचारे, उसे मालूम है शेखर को जायदाद मिल गई तो वो अपना पति खो बैठी। अपना अपना विचार है। मैं तो इतना जानता हूं कि आज तक कोई भी पत्नी अपने धन के बल से पति का प्यार नहीं खरीद सकी। मेरी ये दौलत कल उजड़ भी सकती है, लेकिन स्त्री की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग, उसके पति का प्यार। खैर, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो? मां ठीक कहती है। बेला, अच्छी बात है, जो तुम चाहती हो वही होगा। वकील साहब, मेरी जायदाद पर मेरे दामाद का कोई हक नहीं होगा। मेरी इकलौती बेटी बेला मेरी सारी जायदाद की अकेली वारिस होगी। आप सब बता रहे हैं, मैं तो आपकी कब से राह देख रहा था। क्या बात? आपको मालूम नहीं आपके पीछे आपके साथ कितना जुल्म हुआ है जी। ठाकुर साहब ने बेला के नाम सारी जायदाद लिख दी है। तो इसमें हैरानगी क्या बात है गोविंद राम जी? हैरानगी तो तब थी अगर ठाकुर साहब अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देते। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ठाकुर साहब को इतनी जल्दी क्या थी वसीयत करने में। अरे आपको मालूम नहीं उस दिन ठाकुर साहब खान में गिर गए और काफी चोट आई। क्या? हाँ हाँ। मैं मजबूर था बेटा। आप तो खामखा परेशान हो रहे, मुझे तो इस बात का ख्याल भी नहीं। और फिर बेला में और मुझ में फर्क भी क्या है? शेखर, आप आराम कीजिए। दफ्तर में जो हमारे साथ सलूक किया गया उसकी हमें उम्मीद न थी। क्या हुआ? तुमने खुद किताब में चंदा लिखा था लेकिन तुम्हारे मुनीम ने देने से साफ इनकार कर दिया। जरूर कोई भूल हुई है। तुम लोग मेरे साथ। तुम थे यहां बैठे हो? क्या गंभीर जी, जी मैं बैठा नहीं हूँ, बिठाया गया हूँ। ठीक है इन लोगों को 200 रुपए दे दो। जी हाँ। आप नए मैनेजर साहब से इजाजत ले लीजिए तो मैं। कौन है? वो आ रहे हैं। शेखर ये लो 200 रुपए, आज ही तनख्वाह मिली है, तुम रख लो। किसे देख रहे हो? कौन है ये? ये गोविंद राम का पूत, बाप जिन बेटा भूत। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, आप मुझे जानते हैं? क्यों नहीं, ठाकुर साहब के घर दामाद को कौन नहीं जानता। शुक्रिया, मैं आपसे यूं ही कुछ पूछने चला आया था। फरमाइए। आप शहर से अकेले ही आए हैं या बीवी को भी साथ लाए? बीवी? जी हाँ, सुना था आपकी शादी हो गई। जी नहीं। हो सकता है, शायद मैंने ही गलत सुना है। खैर कोई बात नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी। बेला, ये नया मैनेजर तुमने रखा है क्या? हाँ। क्यों? जरूरत समझी इसलिए। इसकी भी जरूरत थी कि मुझे पैसे देने से इनकार किया जाए, भरे दफ्तर में मेरी बेइज्जती की जाए। जिनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है वो दूसरों का रुपया इस तरह नहीं उड़ाते। 10,000 आपकी रंगरेलियों के लिए काफी नहीं थे क्या? बेला, तुमने गलत समझा है। हाँ मैंने गलत समझा, तुम्हें देवता माना, ये भूल मैं दोबारा नहीं कर सकती। भूल तुम अब भी कर रही हो बेला, मैं चाहूं तो इस बात को साबित कर सकती। लेकिन नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ आओ मेरे कमाओ बेटे आओ,
मैं तुम्हारे लिए खाना परोस के बैठा हूँ। ससुर जी आप? वो दोनों पड़ोस में जूता खाने गई है। बैठ लो बैठो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो तो रखना ही चाहिए बेटा, आज तुम्हारी तनख्वाह मिली है। क्या हो गया जी? वो तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो मेरी तनख्वाह। हाँ तनख्वाह कहाँ है? वो मिली कहाँ है? वो मैंने अपने पिताजी को मनी ऑर्डर कर दिया। ऐसा? जी वैसा। आप मेरी थाली नीचे रखी, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। पैसे बाप को भेजता है और टुकड़े यहाँ के तोड़ता है। खैर मैं तुझे मजा चखाता हूँ। कहाँ आए उधर? आप तो मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहे हैं। तकलीफ काहे की? मैं दूसरे का काम थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं तो दामाद का काम कर रहा हूँ। जो वो मुझे थोड़ा सा घी मिले ना। हाँ जाने कहाँ रख गई है। जाने दीजिए ससुर जी, मैं सूखे पर ही गुजारा कर लूंगा। बैठिए। अरे पानी में मक्खी गिरी। तुम खाओ जी। आप खाइए। तुम खाओ। यार तरकारी बनी, बस जरा सी मिर्च कम। जरा सी मिर्ची कम है? तुम खाओ। तुम खाओ। तुम खाओ। उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पास रह कर भी बहुत दूर, बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे।
मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते फटे तो धुआं करे। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते फटे तो धुआं करे। अपनी दुनिया में भी सुख चैन का फेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। हाँ गौरी, वो हमारे ही दफ्तर में काम करता है। तो भैया मुझे अभी उनके पास ले चलो। नादान ना बनो गौरी, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं कि वो तुम्हें देखे और पहचानते। नहीं नहीं भैया, तुम नहीं जानते, वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि मैं यहाँ हूँ तो वो दौड़े हुए आएंगे। वो नहीं आएगा गौरी, वो नहीं आएगा। तुम एक ही बार मान दो ना कि तुम्हारी किस्मत खराब है, अपने दिल पे पत्थर रख लो जैसे मैंने रख लिया। तुम इस तरह घूर घूर के क्या देख रही हो? अपना खोया हुआ भैया ढूंढ रही हूँ। ये थका हुआ सिपाही नहीं, वो मुसीबतों से लड़ने वाला भैया। देख रही हूँ कहाँ खो गया है। मैं जब छोटी थी और डर के मारे रोने लगती थी तो मेरा भैया मुझे गले लगा लेता था और कहता था। इस तरह रोते नहीं, इंसान जब रोता है ना तो अकेला रोता है, और जब हंसता है तो सारी दुनिया उसके साथ हंसती है। यही कहता था भैया। अच्छा गुरु, तुम अपने पति देव के नाम में खत लिख दो, मैं भी देखूंगा भाई साहब की तबीयत कैसी है। कुछ बिरादर, ठाकुर साहब का कारखाना का मैनेजर इधर रहती? रहती नहीं बाबा, रहता। ओए खुदा का बंदा, वही तो हम पूछती। मैनेजर इधर रहती? कौन है? सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। क्या बात है खान? अच्छा बिरादर, हमको जानती? नहीं। वही जो हम तेरे को जानती, जो तुम्हारा बाप को जानती, कुछ ये भी जानती कि तुम दोनों बहुत नेक आदमी है। खान ये बताओ कि काम क्या है? एक बात पूछते हैं, चाहे ईमानदारी से बोलो, चाहे तुम गौरी नाम का किसी औरत को जानती? क्यों? वही चाहे तुम्हारा नाम चिट्ठी लिख के भेजा है तो। मैं किसी गौरी वोरी को नहीं जानता। वही जालिम को बच्चे, तुम अपने औरत को नहीं पहचानती? जो वो बोलते है वो तुम्हारा औरत, तुम उसका मर्द। तुम कैसे मर्द है? मर्द का बच्चा अपने औरत को नहीं पहचानती? मैं किसी को नहीं पहचानता। अच्छा, हम जाते हैं।
मगर एक बात बोल के जाता हुए, कि अगर तुम अपना औरत को लेने को नहीं आया हम पी आएगा। ओए जालिम का बच्चा बेहिया, तेरा औरत तेरा कातिर कितना कितना मुसीबत काटा है तुमको मालूम? चवल्ला अगर तुम अपना औरत को कबूल नहीं किया कुछ तो खुदा समझेगा, बाकी आम समझेगा। ओए ओए खच्चे जालिम, तुम क्या देखते हैं? कमबख्त, क्या मालूम था यहां भी आ जाएगी और पठान के हाथ से खत लिख के भेजेगी। आज तो साहब मैं भी डर गया, बड़ा खूनखार आदमी मालूम पड़ता है। देखो सुचरण, हमें यहां का काम जल्दी से जल्दी खत्म करके किसी और शहर चला जाना चाहिए। जी आज रात को दफ्तर में, समझ गए? जी समझ गए। जालिम का बच्चा आप भी नहीं पहचानते? इधर लाओ वो जालिम का बच्चा, इधर लाओ। अरे खुची हमारा मुंह क्या देखता है, लाओ जल्दी जल्दी लाओ। बच्चे जालिम नहीं, खुची जालिम जानते ही क्या पोटू का बकास, इसमें तुम्हारा पोटू आया है। खुची तुम्हारा कलकारनामा पुलिस को बता सकता, खुची जालिम अटकड़ी लगेगा अवा लाच जाएगा। बच्चे लाओ जहन्नम रसी, जल्दी करो बच्चे लाओ। कुछ जालिम के बच्चे पठान के साथ सर घुमाई करते वाले हैं। बच्चे जालिम, कुछ खुदा भी राधे, ये फिर तुमने पुराने कारोबार शुरू कर दिए? कहां से आ रहे हो इतनी रात गए? दफ्तर से। दफ्तर से या गौरी से मिलने गए थे? पिताजी इसी गौरी से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने सोचा कि दफ्तर में एक लंबा हाथ मार दूं तो सब ठीक हो जाए, मगर वहां भी वो पठान का बच्चा पहुंचा और 30,000 रुपए लेकर भाग गया। 30,000? क्या 30,000 रुपए? जी हाँ, और उसके अलावा चंद जरूरी कागजात भी, और वो पठान पिस्तौल दिखाकर सब कुछ ले गया। तो इसका मतलब ये हुआ राधे मुरारी जी कि आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे? अजी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई, वरना ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है। सुनने में आया है कि शहर में एक मशहूर पठान डाकू आया हुआ है। जी जी हाँ, और ये उसी का काम है। तो फिर तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट? जी हाँ, मैं भी किए रहता हूँ। ठहरिए, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट दूसरे भी कर सकते हैं। शुक्रिया, आपको मेरा कितना ख्याल है। मेरे ख्याल से पुलिस को इतला कर देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि रुपए के साथ चंद जरूरी कागजात भी गए हैं, अगर वो पकड़े गए। अजी मैं कैसे समझाऊं, इनकम टैक्स के मामला बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन चोरी गए हुए 30,000 रुपए का क्या होगा? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा बेटा राधे मुरारी बड़ा बहादुर लड़का है, उस पठान को एक मिनट में पकड़ लेगा। क्यों राधे जी? जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जयराम जी की। जयराम जी की। धर्मदास जी, साबुन तेल तो खत्म हो गया होगा लेकिन मेरे अभी पैसे नहीं मिले। मिल जाएंगे मिल जाएंगे जी। मैं तो आज रामनगर जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। रामनगर? महेश भी तो वही का ही है। अच्छा, कितने पैसे तुम्हारे? जी 20 रुपया। 20 रुपया ये लो। 10, 20 और ये 5 मेरी तरफ से रख। जी कैसे? और वहां जाके एक मेरा छोटा सा काम करना। वो क्या? वहां से एक तार दे देना कि महेश का बाप मर गया। जी जी। हाँ ये बात है। जयराम जी, जयराम जी।
बेटा महेश तुम्हारा तार आया है, जरूर लॉटरी निकली होगी। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे मैं बेवा हो गया। क्या हुआ? मेरा बाप मर गया, तेरा सब मर गया। अरे उन्होंने मेरा बेटा मार टूट पड़ा हुआ। बेटा महेश अब तुमने क्या फायदा? तो क्या मरने वाला थोड़ा ही वापस आ रहा है। ये तो है तुम सफर की तैयारी करो। किस्मत है जवानी में बाप चले गया मेरा। मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास जाने को ये नहीं है। रेल का किराया मेरे अरे ये तो बहुत कम सी है। मैं मेरे बाबू का क्रियाकर्म कैसे करूंगा? 1000 रुपया दो। 1000? मैं गरीब आदमी, 1000 कहाँ से लूं अभी? भगवान मेरे बाबू नहीं उठा। जल्दी करो, मेरे गाड़ी निकल जाएगी। अरे गाड़ी को निकल जाने दो, मेरे बाबूजी तो मेन लाइन पर गए। ये तो फिर भी ब्रांच लाइन है। क्यों रोता है महेश? अरे रो नहीं तो क्या हंसू? मेरे बाबू का देहांत हो गया, अब लोग मेरे मजाक बुलाने आए। पिताजी पिताजी अभी तो आपकी अर्थी नहीं उठी, आपका जन्म इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या बकता है उल्लू के पट्टे? मैं तेरे सामने जीता जागता खड़ा हूँ, तेरा सगा बाप। अब मैं किस पर यकीन करूँ, अपनी आंखों पर या इस तार पर? किस बदमाश का काम है? मैं उस पर दावा करूंगा, उसे जेल भिजवा दूंगा। हाँ पिताजी, जेल का काम तो लंबा है, आप आराम कीजिए, लंबे सफर से तो आप ही आए हैं। हाँ आप आराम कीजिए। नहीं, नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। क्यों रे महेश, क्या तूने ये तार नहीं दिया? इसमें लिखा है कि तेरे ससुर जी मुझे दहेज देने के लिए तैयार है। ऐसा जी वैसा लाइए धर्मदास जी। आप मुझसे मांगिए ना पिताजी, ये लीजिए पहली किश्त। ये रुपया मौत फंड का है। तुम मैं कब जिंदा हूँ? क्या इस तार में नहीं लिखा है कि मैं मर गया? चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, रो मत। अरे समझे जी आप तो पिताजी। अखंड सौभाग्यवती भव, आप मुझे अपनी बहू के गौने पर कोई एतराज नहीं। लेकिन पिताजी ये बात तो पुरानी हो चुकी है, अब तो क्यों बोल, क्या बात? अब तो आप पोते का इंतजार करिए। वो तो मैं करूंगा ही। सब लोग कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं पोते का मुंह नहीं देख लूं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसा? बिल्कुल ऐसा। महेश जी यहां मेरी सेवा टहल कौन करेगा? हाँ अपनी माँ को भी तार देकर बुला लीजिए। हाँ। एक दो तीन, पानी 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 पानी। पठान किस लिए आए हो? क्या चाहते हो पठान? घबराओ नहीं, हम तेरे को ये फोटो दिखाने को लाया है। देखो देखो ये क्या है? तो बोले कमाल है, जालिम अपने औलाद को नहीं जानते, तुम कैसे बाप है भाई? जी हम जाता ही को त्वाली, तुम नहीं जानते डकैती का सजा कितने बरस का होते। पठान हाथ हटा के बात करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, पुलिस में मत जाना और ये तस्वीर मुझे भेज दो। वो जालिम तुम हर चीज बेचता है, हर चीज खरीदता है, कुछ अपना ईमान कुछ अपना धर्म, मगर हम पता नहीं सौदागर नहीं है, ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है। तो ये फोटो तुमको एक तरीके से मिल सकता है। कैसे? कुछ गौरी नाम का कोई औरत को जानता है? नहीं नहीं जानता हूँ बाबा, जानता हूँ। कुछ बुजदिल पहले गाय को कबूल नहीं करते, जो अपने बेईमान बेटे को बोलो खौफ खाए खुदा का, कबूल करे अपनी औरत को, नहीं तो आम कोतवाली जाएगा, कुछ तुम तुम्हारा औलाद अवालाद जाएगा। अवालाद की बात मत करो पठान, मेरा दिल बहुत कमजोर है। बाप भी कबूल करेगा और बेटा भी कबूल करेगा। बेहतर बेहतर, हम जाते कुछ वो इधर आएगा,
पीर गड़बड़ हुआ, हम पठान है, जबान का सच्चा है, आज का पाका है। अस्सलाम वालेकुम। मगर पठान ये फोटो तो देते जाओ। ये जालिम एक यादगार तो छोड़ो। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते नमस्ते। अब ठाकुर साहब कैसे हैं? वैसे ही। अच्छा बैठो, शेखर यहीं। अच्छा चले चले। मैंने कहा नमस्ते बेला जी। क्यों, क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई क्या? जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ। वो भी तो आप ही की गाड़ी है, आइए ना, आइए चलिए आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये रास्ता हमारे घर का तो नहीं है। बेला जी सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। गाड़ी क्यों रुकी? जी मेरा ख्याल है कि मैं इसका इंजन गर्म हो गया, मैं अभी देखता हूँ एक मिनट में। बेला जी देखिए तो चांदनी कैसा गजब ढा रही है, और इस चांदनी में खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत नजर आती है, जैसे कि आप। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूं चांदनी में आप और निखर आई हैं बेला जी। ऐसे बर्फ होता है, अभी बोलो कितने चांद नजर आते हैं। तमाशा खत्म हो गया, अपना घर जाओ। चांद भी बहुत थक गया है, वही एक तक गया है, अपना घर जाओ। डरता है क्या? चलो हम चोर के, चलो चलो चलो। आ बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो। क्या चौकड़ी के बाबत बैठते हैं? जमीन साहब आप शादी बनाई? वल्ला हम भी शादी बनाई, मगर हमारा औरत वही वही अल्लाह का कसम गुस्सा का बहुत तेज। जी आपकी मर्द कैसी? आपसे मतलब? वही 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 बच्चे गुस्सा करता है अल्लाह कसम, ये दम हमारा औरत लगती। गाड़ी रोको। अच्छा तुम पहले अपना गुस्सा रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। जालिम ऐसे प्यार से बोलो, गाड़ी क्या हम कयामत रोक सकते हैं? लो ये
अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के ये अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर तो मानते तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर तो मानते मेरा फसाना पता या ठिकाना अगर पूछते जानते ये अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे इन वीरानों में एक बार फिर खो जाएंगे है जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे इन वीरानों में एक बार फिर खो जाएंगे संग में गुजारे जो दिन प्यारे प्यारे सदा हमको याद आएंगे ये अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के एक भूली हुई विसरी हुई पहचान हूँ एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान हूँ एक भूली हुई विसरी हुई पहचान हूँ एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान हूँ मैंने ये माना कि मैं हूँ दीवाना मगर एक इंसान हूँ ये अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के ये अलबेला तार न देखा तुमसा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के तुम्हें यहां किसने आने दिया मैंने जाओ बेटा तुम खाना वाना लगाओ आपने पिताजी आप ये क्या कह रहे तो ही रास्ते थे रास्ते या तो तुम्हें घर में आने देता या तुम्हें जेल जाने देता जेल से तो ये घर अच्छा है क्या समझा क्यों क्या जी नहीं कुछ नहीं समस्या गंभीर है कह जो दिया नहीं मिलेगी और ऊपर से तनख्वाह भी मांगो वाह भाई वाह वाह लेकिन मुनीम जी
मेरी छुट्टी तो शेखर बाबू ने मंजूर की थी। अरे शेखर बाबू ने मंजूर की थी तो नए मैनेजर साहब ने नामंजूर कर दी, समस्या गंभीर है। और अगर चाहो तो शेखर बाबू के पास शिकायत ले जा सकते हो। जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया। पूरी फौज लेकर आए हैं मारने के लिए। मारिए, लूटिए। लूट कौन रहा है? मजदूर आपको यहां मजदूरों, ये बेचारे क्या लूटेंगे किसी को? क्या ये ठीक है कि इस गरीब को इसकी जायज छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिल सकती? हाँ, नहीं मिल सकती, यह जुर्म है। बहुत खूब, रास्ता आपने अच्छा ढूंढा है शेखर बाबू। गुस्सा था आपको जायदाद न मिलने का, मुकदमा मजदूरों का लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ गोविंद राम, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाएगा। ये तुम भी जानते हो। मैं खूब जानता हूँ, ये बेवकूफ नहीं जानते। भेड़ चाल तो होती ही है इनमें, भेड़ों ने मान लिया, भेड़िया इनका हक दिलवाएगा। वो तो मैं दिलवा के रहूंगा गोविंद राम। कैसे? लाठी के जोर से, जबरदस्ती? मैं देखता हूँ कौन जबरदस्ती करता है। एक मिनट पहलवान जी। देता हूँ भाई, देता हूँ। ए मुनीम जी, इन्हें दे दो जो ये मांगते हैं, हमारी जान बचाओ। समस्या गंभीर है, जान बचाइए उनकी। जी हाँ, आज मजदूरों की पलटन लेकर दफ्तर में आ धमके, वो तो कुछ भी कर गुजरते, बस ये समझ लीजिए कि आपके दर्शन के लिए जान बच गए। ये लीजिए अपनी दौलत और आज्ञा दीजिए। ठहरिए गोविंद राम जी, आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा? मैं तो जान भी दे सकता हूँ, मैंने इस खानदान के पसीने पर अपना खून बहाया है, लेकिन अब नहीं देखा जा सकता। इस घर का दामाद ही इस घर को तबाह करने पर तुला हुआ है। सुन रही हो बेटा? सब कुछ सुनकर भी खामोश हो? ये बेचारी भी क्या करे, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए होंठ सी रखे हैं, कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? तुम्हें किसका डर है? मुझे किसी का डर नहीं, मैं आज ही फैसला किए देती हूँ। भाभी आओ, भाभी आओ। पहले ये बताओ वो यहाँ आए हैं क्या? शेखर भैया वो तो यहाँ नहीं आए, तुम बैठो ना। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, तुम सब एक जैसे हो, चोर। भाभी क्या हुआ सीता, बेला इस तरह आए और चली गई? भाभी ने ये हार देखा और कहा चोर। चोर? ससुर जी को आने दो, शायद पूछूंगा ये चोरी का माल यहां कैसे आया। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बेला तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ, सवाल थोड़ी देर बाद नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ तुमने हमारे खिलाफ मजदूरों की हिमायत क्यों की है? मैंने किसी की हिमायत नहीं की बेला, सिर्फ इंसाफ का साथ दिया है। तुम मजदूरों के साथ इंसाफ कर सकते हो, मेरे साथ भी तो इंसाफ किया होता। मैंने क्या किया है बेला? तुमने क्या नहीं किया? जिस घर में तुम्हें आसरा मिला तुमने उसकी बुनियादें हिला के रख दी, जिस दिल ने तुम्हें प्यार दिया तुमने उस दिल को ठुकरा दिया, जिस आदमी ने तुम पर विश्वास किया तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। तुम्हारे अपनों ने चोरी की तुमने आंखें बंद कर ली, मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे पाँव में रखी तुम उसे ठुकरा कर किसी और की बाहों में चले गए। ये झूठ है बेला, तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूँ। ये झूठ है तो सच क्या है? ये सच नहीं कि तुमने दफ्तर से 10,000 रुपए लिए? लिए? क्या किया है तुमने उन 10,000 रुपयों का? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो कौन से सवाल का जवाब तुम दे सकते हो, बता सकते हो? तुम कहाँ गए थे? 3 रातें तुमने कहाँ गुजारी है? किसके साथ गुजारी है? मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दे सकता, पहले मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मजबूरी खूब जानती हूँ। तुम गलत समझ रही हो, पति और पत्नी के रिश्ते की सिर्फ एक बुनियाद होती है बेला, विश्वास। और मैं उसी विश्वास की सौगंध खाकर कहता हूँ बेला कि मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो बेला? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम दामाद हो इस घर के,
वो भी घर दामाद। जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरा है। ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं वो मेरे हैं। ये खाना जो तुम खा रहे हो वो मेरा है। बेला, आज तुमने बहुत कुछ कह दिया। मैंने माफ किया तुम्हें, लेकिन शायद भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज यहां तक बढ़ गई है रामचरण। हाँ मालिक, सारी जायदाद बिटिया रानी के नाम पर होने ही थे। दामाद जी सबकी नजरों से गिर गए हैं। तुम ठीक कहते हो रामचरण, ये सब मेरी गलती है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। मालिक, मालिक, रामचरण बोला, डॉक्टर को बुला। हाँ हाँ, नहीं वकील, वकील, वकील। हाँ अच्छा, और देखो किसी को मालूम ना हो। अच्छा मालिक, किसी को नहीं मालूम। सताले हैं जहां न खोलेंगे जुबान। सितम तेरे कभी तो बेअसर हो जाएंगे। पुकारो लाख तुम न फिर लौटेंगे हम। के हम भी राह की इस भूल में खो जाएंगे। सताले हैं जहां जलन दिल की तो कहती है कि मैं उठ जाऊं महफिल से। जलन दिल की तो कहती है कि मैं उठ जाऊं महफिल से, मगर उम्मीद दामन को मेरे छोड़े गी मुश्किल से। अरे छोड़ेगी मुश्किल से, थके हारे हैं हम। जहां टूटे गदम बिछा के सेज अंगारों की चुप सो जाएंगे। सताले हैं जहां के प्यार का चंचल इशारा याद आता है। किसी के प्यार का चंचल इशारा याद आता है कल की बात वो हर हर नजारा याद आता है। नजारा याद आता है, मेरा दिल तोड़ कर वो होंगे बेखबर। कि किसको ये खबर वो क्या से क्या हो जाएंगे। सताले हैं जहां न खोलेंगे जुबान। सितम तेरे कभी तो बेअसर हो जाएंगे।
सताले है जहां। जी मुझसे वचन दो बेटा कि जिस तरह अब तुम इस घर को संभाल रहे हो मेरे बाद भी उसी तरह संभालोगे। मैं वचन देता हूं पिताजी। तो अभी अभी स्टेशन पर पता चला कि ठाकुर साहब का स्वर्गवास हो गया। तुम लोग गए थे ना वहाँ? क्या मुंह लेकर जाएंगे, बेला तो हमें मुंह पर चोट कह के गई है। ये माल चोरी का है, ये हार बेला का है। अरे भगवान मुझे क्यों दोष देती हो, मुझे क्या मालूम दुनिया में इतने चोर बसते हैं। खुद गोविंद राम का नौकर ये बेच के गया। गोविंद राम का नौकर? हाँ। बर्बाद हो गए बहन जी, तबाह हो गए, बिल्कुल तबाह। क्या हो गया जीवन जी? बस जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। आपके भाई जाते जाते घर वालों को बेघर कर गए हैं। अपनी लाडली बेटी को एक पाई नहीं दी, अपनी धर्म पत्नी को एक पैसे का हकदार नहीं समझा, सारी जायदाद का मालिक बना गए एक बेगाने को। और बहन जी अब आप दोनों दामाद जी के रहमो करम पर हैं, चाहे वो घर में रखें चाहे निकाल लें। तो क्या उन्होंने पहली वसीयत बदल दी? जी हाँ, बाद में उन्होंने दूसरी वसीयत की थी। नहीं वकील साहब नहीं, ठाकुर साहब होश में ऐसा नहीं कर सकते थे। दामाद जी ही ने उन्हें कुछ खिला दिया होगा या कुछ कर दिया होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, शेखर ऐसा लड़का नहीं है। तुम नहीं जानती शेखर सब कुछ कर सकता है। वकील साहब इस वसीयत के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते? इनका मतलब है कि आप किसी तरह ये साबित नहीं कर सकते कि जब ठाकुर साहब ने दूसरी वसीयत लिखी तो उनके होश ठिकाने नहीं थे। जी नहीं, वसीयत लिखते वक्त डॉक्टर भी मौजूद था। ठाकुर साहब 100% होश में थे और डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं कर सकते? जी नहीं। फिर आप वकील किस बात के हैं? चाहिए कुछ और काम कीजिए। अब क्या होगा गोविंद राम जी? अब भी बहुत कुछ हो सकता है, हजारों उपाय हैं। जरा आप इधर आइए। आप दिल छोटा ना कीजिए बहन जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पसीने पर अपना पूंछ रख सकता हूं। हम जान दे सकते हैं तो शेखर को भी इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो सारी जायदाद आपके नाम लिख ले। कैसे? जिस तरह भी, प्यार से, लाठी से। मगर इतना ध्यान रहे गोविंद राम जी, शेखर की जान को। मैं समझता हूं। दस पंद्रह आदमी लेकर शेखर के पीछे जाओ, चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े, शेखर से वसीयत का कागज छीनना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा पिताजी? अरे बेला को जायदाद मिल गई तो माँ बेटी को बनाना क्या मुश्किल है? ये तो ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी। मामा जी आप बेला को पहुंचा दीजिए। सारी दौलत बेला को लौटा दोगे तो खुद क्या करोगे? मामा जी ये दौलत नहीं अमानत है, मुझे और क्या चाहिए। बेला की अमानत उसे मिल गई और गौरी अपने घर पहुंच गई। गौरी? गौरी जिंदा है? ए, क्या? तो भाई साहब एक एक बात सुनना। क्या है? वो आप मुझे पहचानते नहीं? नहीं। इस हार को पहचानते हो? नहीं नहीं। किसे पहचानता है? तीनों को पहचानता हूँ। आप तीनों को पहचानता हूँ? चल चल। देखो ये बदमाश शेखर यही कहीं छुपा होगा। ठीक दुख हो तो तुम्हें बताऊं बुआ, यहाँ तो सारा दिल छलनी हुआ पड़ा है। उस दिन की बात है, दफ्तर से बिना बताए 10,000 रुपए लेकर चले गए। 10,000 रुपए? हाँ बुआ, और जाने दो दिन कहाँ गायब रहे। बेला, वो 10,000 रुपए तो मुझे भेजे थे भैया ने शेखर के हाथ, और दो दिन तक मैंने उसे अपने घर रोक लिया था।
मैंने पूछा तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। भैया ने शायद बच्चन ले लिया हो। तुमने शेखर पर 10,000 के लिए खामखा शक किया। मुझे पैसे का दुख नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या करूं? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने वो अन्याय किया है मेरे साथ जो किसी पति को अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए। मैं सब कुछ सह सकती हूँ बुआ, सौत का दुख नहीं झेल सकती। सौत? हाँ बुआ, एक लड़की है, नाटक कंपनी में काम करती है, मुझे छोड़ के वो उसे अपना बैठे हैं। यही है बुआ जिसने मेरा घर उजाड़ा है। यहाँ क्यों आई हो? सभी कुछ तो छीन चुकी हो पहले, मेरा सुख, मेरी खुशी, मेरी शांति। ये क्या कह रही हैं आप? पूछना चाहती हूँ तुम अब क्या लेने आई हो? मेरी मांग का सिंदूर, मेरी सुहाग की चूड़ियाँ, भाभी, भाभी, गौरी, मामा, कौन है ये? गौरी, शेखर की सगी बहन। हाँ, हम समझ रहे थे बेचारी मर गई, लेकिन इसकी तकदीर में और ठोकरें खानी थी। गोविंद राम के बेटे ने इसके साथ झूठी शादी की और इसे छोड़ के चला गया। उसे ढूंढने के लिए बेचारे ने नाटक कंपनी में नौकरी की और शहर शहर घूमती। इसी तरह शेखर इसे मिल गया। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ा पाप किया है, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर। मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? रो मत बहू, रो मत। ये क्या है? शेखर ने भेजा है। तुम्हारी जायदाद तुम्हें मुबारक हो बेटा, तुम्हारी दौलत पर मेरी नजर कभी न थी। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए था। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का बेला कि तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। सच्चे शेखर, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ही ने मुझे भड़काया था। ये शेखर ने जायदाद अपने नाम लिखवा ली है, हम सब ने शेखर पर झूठे इल्जाम लगाए, उनकी कितनी बेइज्जती की। देखो ये वसीयत, उन्होंने जायदाद हमारे नाम लिख दी है, संभालो इसे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने शेखर को हमेशा गलत समझा। आपने हमें भी गलत समझा। ये हार आपकी नौकरानी ने चुराया था और गोविंद राम ने इसके हाथ बेचने के लिए भेजा था। बेशक पूछ लीजिए। मुझे माफ कीजिए, मैं ही लेके गया था इनके पास बेचने के लिए। हार मुझे दीवान जी ने दिया था। क्या, गोविंद राम ने? मैं तो उसे बहुत भला आदमी समझती थी। मालकिन, गोविंद राम और राधे मुरारी 10-12 गुंडों को लेकर भूल भुलैया की तरफ गए हैं शेखर बाबू को मारने के लिए। उन्हें मारने? मैं भी यही कहने आई थी। हाँ बेटी, ये अनर्थ मैंने ही किया है। दौलत की लालच में मैं अंधी हो गई। गोविंद राम को मैंने ही शह दी। माँ, तुमने आज पहली बार तुम्हें माँ कहते हुए मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। शेखर, बेलो, बेलो। प्रधान, पकड़ नहीं से भागने के पाए। प्रधान, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम शेखर को देखने को आया, हम शेखर को देखने। इसको शेखर दिखाओ, ले जाके बांधो इसे, ले जाओ इसे। भाई काय को बांधता है जालिम? राधे, राधे, शेखर को पकड़ लिया? नहीं पिताजी, वो तो पठान था, मगर मेरा ख्याल है कि वो कमीना शेखर भी यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। पिताजी, शेखर, शेखर।
सिरे बांधो। तुम सब नमक हराम हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जालिम का बच्चा मर तो गौर साथ खाती नहीं, मेरी जान ले लो लेकिन उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। मेम साहब, अल्लाह का कसम, जान बहुत कीमती चीज है। वो चिकाई को खत्म करता है उसको अपना मामूली मर्द के वास्ते। चुप रहो, वो देवता है, मैं ही उन्हें नहीं पहचान सकी। वो अभी भी किधर पहचानता है जालिम, परवरदिगार का जुल्म है। अब पहचानने लगी हूँ, आज मुझे मालूम हुआ की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग। मैंने शक किया उन पर, भगवान जाने मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। आप ही कुछ कीजिए, बचाइए उन्हें, मेरी लाखों की जायदाद है, मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। मैं चाहती हूँ एक बार वो मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे अपने पापों की क्षमा मांग सकूं। वे मेम साहब रो मत, हम पठान हैं, अल्लाह कसम आंसू नहीं देख सकते। ए, जे तुम हमारा एक काम करो, हमारा हाथ का रस्सी को लो, पीछे हमारा हाथ का कमाल देखो, जल्दी करो।
अरे क्या फिर कहाँ भाग के जा रहे हो मियाँ? चलाओ बस। मैं खोलूं? तुम नहीं जानते बेटा, इन्होंने कितना जहर खोला है इस घर में। दोस्ती के पर्दे में कितनी दुश्मनी की है इन्होंने इस खानदान के साथ। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा भी नहीं, ये फिर अपनी जात बताएंगे। मैं पांव पड़ता हूँ शेखर, हम फिर ऐसे नीच काम नहीं करेंगे। देखते क्या हो शेखर, फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। गौरी का दुख समझ सकती हूँ। इस बेचारी ने पहले भी बहुत मुसीबतें झेली हैं। अपनी बहन को और दुख न पहुंचाओ शेखर। बहन? जी हाँ, गौरी आपकी बहन है। लक्ष्मी मेरे घर पर चलकर आई और मैं उसे पहचान न सका। मैं भी कितना मूर्ख हूं। जीते रहो बेटा, तुमने जिंदगी में यही अकल का काम किया है। वो भी गलती से। गौरी, लो अपना पति संभाल। शेखर, मैं भी तुम्हें आज ही पहचान सकी। मुझे अब मालूम दुनिया में दौलत कुछ नहीं, जायदाद कुछ नहीं, त्रिकासली धनुष का पति ही होता है। बेला, तुम भी शेखर को संभाल कर रखना। ये मेरा दामाद नहीं, बेटा है। एक बात और याद रहे बेला, आज से ये घर तुम्हारा मैका नहीं, ससुराल है। आप भी गौर से सुन लीजिए ससुर जी, आज से आपका घर भी मेरे लिए ससुराल नहीं, मैका है। ऐसा? जी वैसा। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे तेरी। प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू।